बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बिजू और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। नाज़रीनो सामीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिजू कैसा जानवर है, क्या ये जानवर हलाल है या हराम, और इसका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या है। बिजू एक हराम जानवर है और हदीस में है कि हर वो जानवर जो अपने पंजे से शिकार करे हराम है। बिजू एक बदखसलत जानवर है, ये इंसानी गोश्त बहुत शौक से खाता है और इसीलिए यह ज़्यादातर कब्रिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा इसके बिल के पास से इसकी नस्ल का कोई भी जानवर गुजरे तो वो इसके साथ बदफेली करता है, इसलिए अरब में इसको बदखसलत जानवर कहा जाता है। अगर कोई बिच्छू बकरियों के रेवड़ में घुस जाए तो एक भेड़िए से भी ज़्यादा नुकसान करता है। अगर भेड़िया और बिच्छू इकट्ठे रेवड़ में घुस जाएं तो फिर नुकसान नहीं होता, क्योंकि तब ये दोनों एक दूसरे को मारने में लगे रहते हैं। ये भी मशहूर है कि 14वीं रात को जब भेड़िया या कुत्ता दीवार पर चढ़कर चीखते हैं तो इनका साया ज़मीन पर हो, और इस साये पे अगर बिच्छू का पाँव पड़ जाए तो वह नीचे गिर जाता है और फिर ये इसको खा जाता है। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि बिच्छू सोए हुए इंसान के सर के नीचे बिल बनाता है और जब वो सो जाए तो इसका गला दबाकर इसका खून चूस लेता है। अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं और आपको बिच्छू का डर है तो आप जंगली प्याज अपने हाथ पर बांध लें तो बिच्छू आपके करीब नहीं आएगा, क्योंकि बिच्छू जंगली प्याज से भागता है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बिच्छू का क्या ताल्लुक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी गुजरे हैं। इनका लक़ब खलीलुल्लाह है, यानी अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 86 मरतबा आया है। इसके अलावा इनके बाप आज़िर का भी जिक्र है। यहाँ आपको एक बात बताते जाएं कि आज़िर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक था। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी के वालिद बुतपरस्त हों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नहायत मुत्तकी और परहेजगार थे। इनका इंतकाल होने के बाद आपकी किफालत आपके चचा आज़िर ने की। आज़िर बुत परस्त होने के साथ साथ खुद भी बुत बनाता और बेचता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से बुत परस्ती से नफरत थी। वो अक्सर सोचते थे कि ये कैसे लोग हैं जो खुद ही बुत बनाते हैं और फिर खुद ही इनकी पूजा करते हैं। आप अक्सर अपनी कौम के लोगों को इससे बाज रहने की कोशिश करते, जिस पर वो लोग आपको बुरा भला कहते थे। एक दफ़ा किसी गांव में मेला था, सब लोग उधर चले गए। आप पीछे से बुत खाने में दाखिल हुए, तमाम बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों का ये हाल देखा तो वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा कि ये काम इब्राहीम का है, क्योंकि वो ही बुतों से नफरत करते हैं। चुनाचे आपको बुलवाया गया तो आपने कहा कि आप अपने बुतों से क्यों नहीं पूछते, तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैसे खुदा हैं जो बोल नहीं सकते? फिर आपने कहा कि इस बड़े वाले बुत से पूछें, इसके कंधे पर कुल्हाड़ी भी है, हो सकता है कि इसने ये सब किया हो। तो लोगों ने बोला कि तुम जानते हो कि ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद सोचो, जो ना सुन सकता है ना बोल सकता है और ना ही हिल सकता है, वो तुम्हारी आरजुएं कैसे पूरी कर सकता है? चुनाचे अल्लाह पर ईमान ले आओ, जो तमाम मखलूकात का रब है। लोगों ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया और वहाँ से चले गए। और इसके साथ आपकी शिकायत आपके वालिद यानी चचा आज़िर से की। उन्होंने आपको समझाया तो आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें भी इस्लाम की दावत दी, मगर इसने कहा, चले जाओ तुम यहाँ से,
मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, आज के बाद मुझे नज़र मत आना। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। आज़िर शिर्क की हालत में ही फौत हो गया। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़िर को बिच्छू की शक्ल में दोज़ख़ में डालेंगे। नाज़रीन गिरामी, इमाम बुखारी ने मनाकिब अंबिया से हज़रत अबू हुरैरा से ये हदीस नकल की है कि क़यामत के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद आज़िर से इस तरह मुलाकात करेंगे कि आज़िर का चेहरा गर्द आलूद होगा। तो आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहेंगे कि क्या मैं तुमको नहीं कहता था कि मेरे ख़िलाफ़ ना चलो और मेरा कहना मानो? आज़िर कहेंगे कि आज के दिन मैं तेरा कहना मानूंगा। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से अर्ज़ करेंगे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि क़यामत के दिन मुझे रुसवा नहीं करेगा, आज से बढ़कर क्या रुसवाई होगी कि मेरा बाप दोज़ख में जाए? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि मैंने काफिरों पर जन्नत हराम की है। फिर अल्लाह पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि ऐ इब्राहीम, देखो तुम्हारे पाँव के नीचे क्या चीज़ है, जब आप देखेंगे तो वो खून आलूद बिजू होगा, फिर इसकी टांगों से पकड़कर इसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसके साथ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान की हालत में दुनिया से उठाए और क़यामत के दिन हमें रुसवा ना करे। आमीन।